देखिए, बीजेपी का सीधा सा है कि जो भी डिसीजन होता है वो सेंट्रल से होता है, और पर्यवेक्षक की भूमिका अगर आप ध्यान से देखें तो पर्यवेक्षक की भूमिका आज की डेट में जोमैटो वाली है। जहाँ पर कांग्रेस में पर्चे लीक हो जाते हैं और बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, यहाँ एक मुख्यमंत्री का नाम तक बाहर नहीं आ पाता। 2024 का जो प्रचंड लहराएगा वही मुख्यमंत्री कहलाएगा। तैयारों की इतनी ज़्यादा मनोबल बढ़ चुका है कि घर में घुसकर या फिर बीच ऐसे पुलिस की सुरक्षा में जाकर घटनाएं कर देना, ये बड़ा चिंता का विषय है। कि मुहिया मित्रा पे बहुत जल्दी फैसला इन्होंने ले लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि पक्ष में नहीं है। अगर आप देखें तो भिदोड़ी का कांड पहले था, भिदोड़ी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सांसद हो, अधिकारी हो, या कितना बड़ा पूंजीपति व्यापारी हो। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। आज मुद्दा देश का में हम बीते एक हफ्ते का समीक्षण करने वाले हैं, विश्लेषण करेंगे। तो पहले ही आपको बता रही हूं मैं कि वीडियो पूरा जरूर देखें, ताकि इस पूरे करीब 20-25 मिनट की वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। बीते एक हफ्ते में देश में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अपराध से जुड़ी हो या फिर भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, क्योंकि ये आपका हक है कि सही जानकारी आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे सामने आए, और बीते एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों को अब तक नए मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत हुई, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लेकिन अब तक एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी सीएम घोषित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा अगर तेलंगाना की मैं बात करूं तो यहां पर कांग्रेस ने अपना सीएम घोषित कर दिया है, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। हरीश जी, अगर बात की जाए सबसे पहले राजनीति की, तो 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आते हैं, 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत होती है, बहुत सारी अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, कई केंद्रीय मंत्री और 9 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, ये टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग राज्यों में पहुंच चुकी है, क्या अभी तक बीजेपी वो चेहरा नहीं ढूंढ पाई है? देखिए, बीजेपी का सीधा सा है कि जो भी डिसीजन होता है वो सेंट्रल से होता है, और पर्यवेक्षक की भूमिका अगर आप ध्यान से देखें तो पर्यवेक्षक की भूमिका आज की रेट में जोमैटो वाली है। जिस तरह से आप ऑर्डर कहीं और करेंगे और जोमैटो आपके घर पे खाना लेकर आ जाएगा, तो पर्यवेक्षक की भूमिका कहीं ना कहीं जोमैटो और स्विगी जैसी है। पर्यवेक्षक वहाँ पहुँच चुके हैं, एक तरह से समझिए कि औपचारिक ऐलान बाकी है, और बीजेपी में अब ये मतगणना पूरी हो चुकी है कि कौन सीएम होगा। सीएम वही होगा बीजेपी की तरफ से जो 2024 में जो पहले की सीटें थी पूरी पूरी जीत के लाएगा, ये विश्वास जिसने भी दिलाया होगा वही सीएम होगा। और सीएम का चेहरा राजस्थान में ये कह दिया गया है कि 115 में से ही होगा, कोई भी बाहर से नहीं लाया जाएगा। तो ये तो होगी सीएम की भूमिका को लेके बात। जब हम सीएम की भूमिका को लेके बात करते हैं तो पार्टी के अंदर की एक डिसिप्लिन की भी बात हमें करनी चाहिए। जहाँ पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जहाँ पर कांग्रेस में पर्चे लीक हो जाते हैं और बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, यहाँ एक मुख्यमंत्री का नाम तक बाहर नहीं आ पाता। तो सोचिए कितना बड़ा डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर, कि जगह जगह से नेता आ रहे हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि हर कोई अपनी गारंटी की बात कर रहा है कि 2024 में दिल्ली दौड़ लगातार जारी है, और 2024 को लेके जहाँ पर लगातार बात हो रही है कि 2024 का जो प्रचंड लहराएगा वही मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो इस बीच में इवन आपने छोटे छोटे सी आप अगर देखें कि इवन पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुँह से भी ये बात नहीं निकल रही कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा। वो बोलते हैं जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा और हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल हरीश जी, देखा जाए तो किसी को भी ना पीछे नहीं रहने दिया जा रहा है, हर किसी से मुलाकात हो रही है, चाहे वो वसुंधरा राजे की हम बात कर लें, चाहे बाबा बालकनाथ की बात कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात कर लें, अर्जुनराम मेघवाल की बात कर लें, सभी से मुलाकात हो रही है, क्योंकि राजस्थान पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि राजस्थान में जब से ये चुनाव प्रचार शुरू हुए थे तभी से ही कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर बीजेपी जीतती है, ये सवाल था, जिस तरह से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया। लेकिन वसुंधरा राजे चुनावी नतीजे आने के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहीं ना कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती हैं, तो तब चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि सब कुछ क्लियर है और हो सकता है कि 102 दिन में या आज शाम तक नतीजे सामने आ सकते हैं। आज शाम तक या कल
कल तक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेंगे, आज शाम तक घोषणा हो जाएगी। और घोषणा के साथ साथ फिर बता दूं कि जहां एक तरफ घोषणाओं की बात थी, वहीं अपराध की भी बात आपने की थी कि अपराध भी हुआ है। हाँ, उसी राज्य में अपराध हुआ है। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिड़ी, जिनकी उन्हीं के आवास पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने, माफियाओं ने निर्मम हत्या कर दी। सबसे पहले, क्योंकि पहले से ही ये कहा गया था कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी भी गई थी, लेकिन कुछ समय पहले ही सिक्योरिटी हटा दी गई। और जैसे ही सिक्योरिटी हटाई गई कि उनके घर के अंदर आकर नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो देखा जा रहा है, आक्रोश जो सड़कों पर है वो नज़र आ रहा है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इसकी जो आग है ना आक्रोश की, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस राजस्थान पर ये टैग लगा था कि यहाँ पर अपराध असीमित है, सीमित संख्या में नहीं असीमित है और चलता ही जा रहा है, और उसकी वानगी चुनावी नतीजों के कांग्रेस की सरकार जाते ही देखने के लिए मिली। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये अपराध हुआ, आपने पहले भी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का अपराध देखा, जहाँ रिपोर्टर की भेष में आके आप हत्या कर जाते हैं। और मतलब मैं बोलूं कि हत्यारों की इतनी ज़्यादा मनोबल बढ़ चुका है कि घर में घुसकर या फिर बीच ऐसे पुलिस की सुरक्षा में जाकर घटनाएं कर देना, ये बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ वाली भूमिका में बाकी प्रदेशों को आना पड़ेगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज शासन है, जिस प्रकार से प्रशासन के ऊपर प्रेशर है कि कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कैसे भी करो, इसको कंट्रोल करो, वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, और कहीं इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि साजिशन हत्या है ये। हालांकि जो हथियारे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरी हत्या का जिम्मा लिया है। तो इसके पीछे क्या साजिश है वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, ये भी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, संसद से जुड़ी हुई है। महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी सांसद थी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोकसभा से उनकी सांसदी पूरी तरह से निष्कासित कर दी गई है, और मामला था कि पैसे लेकर वो सवाल करती हैं। अपना लॉगिन उन्होंने दुबई में किसी को दिया और दुबई से कई बार वो लॉगिन हुआ, कहीं ना कहीं संसद के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है या सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा असंवेदनशील, ये महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है। देखिए काजोल, इसमें ऐसा है कि महुआ मोइत्रा पे बहुत जल्दी फैसला इन्होंने ले लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि पक्ष में नहीं है। उससे पहले का अगर आप देखें तो भिदौड़ी का कांड पहले था, भिदौड़ी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, भिदौड़ी पे नहीं हुई, भिदौड़ी ने माफ़ी मांगी और वो मामला वहीं का वहीं शांत हो गया। और महुआ मोइत्रा का मामला उनके बाद आया था और उस पर तुरंत के तुरंत एक कार्रवाई हो जाती है। तो प्रश्न चिन्ह उस कमेटी के ऊपर भी कि इतनी आनंद फानन में इतनी जल्दी से सबूतों को जब तक पेश नहीं किया या उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ तो एकदम से ऐसे फैसला लेना ठीक नहीं है। पर इसमें भी एक पक्ष और डाल दूँ कि जहाँ देखिए ये नेता कोई भी, चाहे सांसद किसी भी उसका हो, सांसद का जो पीए होता है पासवर्ड ज़्यादातर पीए के पास ही होते हैं। कोई भी सांसद के पास, मैं नहीं समझता कि सांसद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड खुद अपने पास रखता है, पर हाँ उसका दुरुपयोग करा है वो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि किसी के क्वेश्चन से आप लोकसभा में किसी को घेरने की कोशिश कर रहे हो या प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो, ये मानने के विषय है। पर हाँ, फिर मैं इसके साथ कहूँ, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सांसद हो, अधिकारी हो या कितना बड़ा पूंजीपति व्यापारी हो। बिल्कुल, और वो किया गया, और सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि बहुत बड़ा ये मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जो भी सांसद होते हैं उनके पास अगर शीतकालीन सत्र चल रहा है, कुछ भी बड़ा संसद के अंदर कोई फैसला लेने की तैयारी हो रही होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है, तो ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा था। आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एक्शन लिया गया, बिल्कुल सही बात है, इस पर थोड़ा सा और विचार करने की ज़रूरत थी। और जिस तरह की मांग टीएमसी भी कर रही है, खुद महुआ मोइत्रा को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो किसी तरह का कोई कैश मिला है, ना ही किसी तरह का कोई गिफ्ट मिला है, तो उन्होंने पैसे लिए ही नहीं है, उन पर ये जबरन आरोप लगाया जा रहा है। खैर, ये चर्चा का विषय, आगे जांच का विषय। मैं फिर इसको आपको बता दूं कि देखिए जो भी अपराधी होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे पे अपराध सिद्ध होते हैं पहले से, ये बात आप पहले से नोट कर लीजिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो संजय सिंह हो या महुआ मोइत्रा हो या आपके आम आदमी पार्टी के
एक और विधायक जो जेल में है, मनीष सिसोदिया हो गए, हमारे सत्येंद्र जैन साहब हो गए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मोहिया मित्रा, इन सब पे कोई ना कोई आरोप है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जेल में है अभी। इन पे आरोप हो सकता है ये कल के दिन इस मामले में जेल भी जाए। पर मैं आपको काजोल एक चीज बताऊं, क्या जेल क्या गरीबों के लिए ही बनी है, या जेल उन लोगों के लिए ही बनी है जिनका कोई सुनने वाला नहीं है या उसकी बड़ी छवि नहीं है? जेल इन लोगों के लिए भी वही जेल है, इनका भी जेल जाना जरूरी है, चाहे वो कितना भी गलत हो। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि सरकार विपक्ष को जेल भेज रही है। अरे जब तुम विपक्ष में हो और जब आप सत्ता पक्ष में थे, आपने ये सब अपराध किए, आपने आपके अपराध को उजागर करने का काम आज विपक्ष का है, जो आज पक्ष आज सरकार में है वो उसका काम है, आज आपको क्या छोड़ दिया जाए ऐसी? तो मैं ये नहीं कहता कि किसी पर अपराध सिद्ध हो गए, पर हर किसी हर नेता का ये कहना है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। आप पे कार्रवाई तभी हो रही है, आपने कुछ किया है। धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है, बिना आग के धुआं उठ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इनके कोई ना कोई इनकी भूमिका जरूर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बीजेपी बेदाग है, कल बीजेपी अगर विपक्ष में बैठेगी तो आप भी यही काम करेंगे, आप भी वही करेंगे। बिल्कुल, बस फर्क इतना नजर आता है कि कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तब मुद्दों को उठाती है, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में होती है तब जाकर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं करती है, और बीजेपी के साथ ये उल्टा है कि बीजेपी कार्रवाई करती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, और ये फैसला लिया गया शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर। लोकसभा से दो विधेयक पास कर दिए गए हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको लेकर हमेशा से ही लड़ाई रही है पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान अपना वर्चस्व दिखाता है और भारत अपना अधिकार दिखाता है। और कायदे से अगर इस पूरे इतिहास को हम पढ़ें, क्योंकि आपने वीडियो बनाया था और बहुत डिटेल में हमने आप लोगों तक बात पहुँचाई थी कि POK हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। और गृहमंत्री अमित शाह ने कह भी दिया है, क्योंकि उन्होंने 24 सीटें रिजर्व कर दी है POK को लेकर, यानी कि 2024 में बहुत कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल, 2024 में बहुत कुछ बदलेगा। और POK के लेकर मैं फिर कल भी मैंने @9 में आपसे कहा था, उसी प्रकार से मैं अभी के फिर इसको थोड़ा सा और बता दूं कि ये मान लीजिए कि आपके घर में कब्जा हुआ है तो आप क्या अपना घर ऐसे ही छोड़ दोगे? आप अपना कब्जा वापस नहीं लोगे? आज जब मजबूत सरकार है और सरकार की मंशा है कि हमें POK वापस लेना है, तो वाकई वो हमारा है, उसे वापस लेना भी चाहिए। और वहाँ की जनता तो खुद चाहती है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, क्योंकि उनका ना डेवलपमेंट हो रहा है, ना उनकी कोई सुरक्षा की बात है, ना वहाँ एजुकेशन की बात है, ना हेल्थ की बात है, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहाँ पर वो जगह कब्जाए हुए है, क्योंकि हम गिलगित या बाल्टिस्तान की बात करें तो उस पर हमला भी किया गया, वहाँ से बहुत सारे आतंकी कैंप भी हमें नजर आए थे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए बनाई गई जगह है, जो जहाँ से हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजे जाते हैं या वहाँ से कोई हमले किए जाते हैं या वहाँ से रणनीति बनाई जाती है, यहाँ ज़्यादा आतंकवादियों के कैंप वहाँ पर हैं, तो किसी भी तरह से POK को लेना ही पड़ेगा अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है। और कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है कि POK जैसे मुद्दे इन्होंने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने रखे हैं वो भी ख़त्म होने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए, ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था, क्योंकि बड़ा मुद्दा था इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी रिसेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। भाजपा सरकार कह चुकी है कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, जड़ें इसकी पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। और एक तस्वीर निकल कर सामने आई है, दो दिन से तस्वीर दिखाई दे रही है उड़ीसा और झारखंड से। यहाँ पर अगर बात करें, झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू, इनके अलग अलग ठिकानों पर 290 करोड़ रुपए कैश मिला है। इसके अलावा एक पूरा जो जेवरात है उससे भरा हुआ बॉक्स मिला। आप सोचिए कि जो कांग्रेस से कहती है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने क्या किया, क्या किया, काला धन वापस आया है नहीं आया, उनके राज्यसभा सांसद जो है वो इतना कैश लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, यही सोचने का विषय है कि, और यही बात मैं यहाँ पर ना कई तरह की, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम 2 मिनट इस पे डिस्कस कर लें, भ्रष्टाचार हर कोई आवाज़ उठाता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार 15 लाख रुपए की कांग्रेस बार बार ही बात करती है कि 15 लाख कब वापस लाएंगे।
शुरुआत हो गई है। 290 करोड़ रुपए आपके घर से निकले हैं, 15 लाख रुपए के हिसाब से आपने कितने लोगों का पैसा आपने अपने घर में रखा हुआ है। ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की शुरुआत है। ये नहीं बोलता कि सत्ता पक्ष, आपके घर में मिला है ना, आपके सांसद के घर में मिला है, किस चीज़ का है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो उनके घर में पैसा मिला है? कभी किसी ने 290 करोड़ रुपए आम जनता ने, आम मतलब बैंकों के अधिकारियों के अलावा किसी ने एक साथ देखा है क्या? वो भी रिजर्व बैंक के, बैंक्स की भी एक लिमिट होती है, पर रिजर्व बैंक के अलावा किसी ने इतने पैसे एक साथ देखे हैं क्या? ये लोग घर में अपने बैंक बना के बैठे हुए हैं। सोचिए कि इनके पास 500, 200, 100 के नोट इनके पास मिले हैं, मतलब जो इससे पहले इनके पास कहीं ना कहीं 2000 के भी नोट रहे होंगे जो इन्होंने ठिकाने लगाए हैं, तो सोचिए उसको छुपाने के लिए और जगह कम रही होगी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो भी रखे होंगे। तो भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस के अंदर था, है, और जिस तरह से आप महादेव ऐप में झारखंड में बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता पाई जाती है कि इस तरह की कोई घटना हुई होगी। बिल्कुल, और जिस तरह की बातें लगातार उठ रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ये कहते हुए सुने गए हैं कि तेलंगाना जीत लिया है कांग्रेस ने, अब फंड की कमी कांग्रेस के पास नहीं रहेगी, ये कहा जा रहा है इशारा। इस बाइट को थोड़ा सा चलाइएगा जरूर आप। अब कुछ मेहरबानी ऊपर वाले की भी हो गई कांग्रेस पर, भले ही ये तीन राज्य नहीं जीत पाई लेकिन तेलंगाना जैसा राज्य कांग्रेस को दे दिया। और आप कह सकते हैं तेलंगाना जो आईटी का हब है, जो हाई जीडीपी स्टेट है, पैसा है जहां पर, और कर्नाटक जहां पैसा है महाराष्ट्र के बाद, गुजरात के बाद, तो दो पैसे वाले राज्य किसी सूरत से अब कांग्रेस के पास आ गए हैं। तो कांग्रेस में वो जो पैसे की कंगाली थी, चुनाव लड़ने की जो दिक्कतें थी, बहुत सी चीज़ें जो पैसे से होती हैं चुनाव में, जो ज़रूरत है, कम से कम अब पैसे की उतनी कमी कांग्रेस को नहीं रहेगी। और इसमें मैं कहूं कि उन पत्रकार जो इनके खास पत्रकार हैं, मैं दीपक शर्मा ने एक बयान दिया था, आपने जब बात याद दिलाई तो मैं बता दूं, दीपक शर्मा ने अपनी वीडियो में कहा है कि तेलंगाना जीतने के बाद और कर्नाटका बगल में होने के बाद अब कांग्रेस पर पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दीपक शर्मा से ही पूछ लिया जाएगा कि कौन से पैसे की कमी नहीं रही, क्योंकि हमें तो दो ही चीज़ें समझ में आती है, एक सांसद निधि होती है, एक विधायक निधि होती है, और गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करती है। तो कांग्रेस के पास कहाँ से पैसा आ जाएगा, इसका मतलब भ्रष्टाचार के लिए तैयार हो गए हैं। और वहाँ से उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो अब इनको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है उसके लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी, मतलब तेलंगाना के लोग अब तैयार हो जाएं कि उनकी जेब में डकैती पड़ने वाली है। बिल्कुल, और कर्नाटक में तो पहले से ही पड़ी है। और अब ये 290 करोड़ रुपए पे इनके जितने भी समर्थक पत्रकार हैं, हमने 5-6 लोगों के अच्छे से नाम लिए थे अभी, दीपक शर्मा, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार जी हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए, जो लगातार कांग्रेस के पक्ष में आए, कहें कि कांग्रेस के लिए ही वीडियो बनाते थे। बिल्कुल, इनका अब इनका एक भी वीडियो इस 290 करोड़ रुपए पे नहीं आया। अगर ये काम कहीं से बीजेपी के द्वारा हो जाता तो अभी ये नोटों के साथ फोटो लगाई हुई होती इनकी कि बीजेपी देखिए आम जनता का पैसा खा गई, या जो भी इनका तरीका हो सकता था, ये उसको टॉप में रखते और पूरा ट्रोल करते। ये परसों से अभी तक एक भी इनका वीडियो नहीं आया। अभिषार शर्मा बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के जिस तरह से बात करते हैं, हम बोलते ना पत्रकार हैं, आप आइए ना, बात कीजिए ना इस 290 करोड़ रुपए पे, ये आपका है, किसका है, जनता का है, सरकार का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गए हैं ये, किसका पैसा है, इस पे भी आप बात कीजिए, वीडियो बनाइए। कहीं ना कहीं आप तो जवाब दे रहे थे इनको, आप इनकी गलतियां भी गिना रहे थे, इनकी सरकार भी बना रहे थे, आपने रुझानों में इनकी सरकार भी बनाई, बीजेपी को आपने भला बुरा भी कहा। हम बोलते हैं बुरी है बीजेपी, चलिए आपके मानने अनुसार बुरी है, इस पन्ने को भी खोल के देख लीजिए, ये पन्ना खोलना बहुत जरूरी है। पत्रकारिता का बात अगर आप करते हैं तो सही पत्रकारिता यही है कि देश में जो भी बड़े मुद्दे हो उस पर आप दिल खोलकर बोलिए, रखिए बात जनता के सामने। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी करने से देश की जनता जागरूक नहीं होगी। अगर बीजेपी कुछ सही कर रही है तो बताइए उसे, बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो भी बताइए, कांग्रेस अगर कुछ गलत कर रही है तो आप बोलिए कि राहुल गांधी ने गलत किया है, या धीरज प्रताप साहू ने गलत किया है, या इस पर कांग्रेस की कमेटी ने क्या एक्शन लिया है। राज्यसभा सांसद है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। राज्यसभा सांसद के घर पर उसे पहले एक मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे कि 502 करोड़ उनके पास उन्होंने लिए हैं,
सरकार चली गई। बिल्कुल सरकार गई और ये इस तरह के आरोप, और ये अभी 290 करोड़ पे बात रुकी नहीं है, अभी तो जारी है, क्या अकाउंटिंग जारी है। तो ये पत्रकारों को भी ढूंढने की आवश्यकता है, इन लोगों के जितने भी इनके चहेते इनके इनके व्यूअरशिप है, ये भी इनसे प्रश्न जरूर पूछे कि आप इस पर भी तो वीडियो बनाएं। आप 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषते रहते हैं बार बार ही कि प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था 15 लाख रुपए लाएंगे, तो लाएंगे, ये आपके सामने है, ये लोग चोरी करके बैठे हैं, ये आप ही का पैसा है जिन पे इन्होंने कोई टैक्स नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, ये अलमारियों में जिस तरह से दिख रहा है ये सब आपका पैसा है। और ऐसे कई कांग्रेस के या कई ऐसे नेता कांग्रेस के, अभी कांग्रेस पकड़ी गई थी इसलिए कांग्रेस का नाम लेंगे, पर ऐसे कई नेताओं के घरों में ये भंडार आपको देखने को मिलेगा जो देश से लूट कर इन्होंने रखा है, ये आपका पैसा है। बिल्कुल, और कहते हैं कि काला धन वापस कैसे आएगा, शायद शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, कैसे आएगा काला धन जी। और लोकसभा चुनाव से पहले तो भी बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि देखिए अब जो भी यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में है, और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम आ सकते हैं, हो सकता है कि सत्ता पक्ष से भी कोई नाम निकल कर सामने आ जाए, क्योंकि बीजेपी ये गारंटी दे रही है कि कोई भी हो, हमारी सरकार में हो या दूसरे विपक्ष में हो, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। तो ये थे वो मुद्दे जो इस सप्ताह के थे जिस पर हमने डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसमें कमेंट जरूर करें, और मैं सबसे एक अपील भी कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, आपने कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करा करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आप तक पूरे हफ्ते की घटनाएं देश इसमें ला पाएँ। मुद्दा देश का, और ये देश आपका है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ आप तक पहुँचा पाएँ।